ग्राउंडनट की प्रोडक्शन 40% कैसे बढ़ा सकते हैं? मतलब हम लोग नॉर्मली उन सब पॉइंट्स पे बात करते हैं कि क्या क्या चीजें ग्राउंडनट की या किसी भी चीज की प्रोडक्शन घटाती है, तो हम वो सब चीजें कवर करने वाले हैं आज के वेबिनार में। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपने ये वेबिनार क्यों ज्वाइन किया है, मेजर कंसर्न्स क्या हैं। जैसे धवल जी ने बोला कि उनको ग्रब्स का है और मुंडा का है, तो आप भी शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर कि आपने क्यों ये वेबिनार ज्वाइन किया है। आपका आपका क्वेरी पूरा कवर हो जाए, मेरा वही इंटेंशन है। ओके थैंक यू। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम समीर अलावादी है, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट में। 21 ईयर्स 21 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 1999 से एग्रीकल्चर के फील्ड में काम कर रहा हूँ। मेरी कंपनी है उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी का मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। मैंने इन 21 सालों में एज ए कंसल्टेंट काम किया है, खास करके बनाना, पपैया, मैंगो, पोमोग्रेनेट, शुगर केन, चीकू, गुआवा, वेजिटेबल्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। ग्राउंड नट के फार्मर्स के साथ भी मैंने काम किया है। मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ IIM जम्मू और EDI में, जहाँ पर मैं एग्रीकल्चर के बारे में बात करता हूँ। हमारी कंपनी उत्कर्ष एग्रोकेम मैन्युफैक्चर करती है 100 से भी ज्यादा नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट्स को, जो एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केपिंग, उन सब में यूज होते हैं और हाइड्रोपोनिक्स के अंदर। मेरी दूसरी कंपनी भी है ट्रीज वाले टेक्नोलॉजीज LLP करके। दोनों कंपनियां हमारे सूरत आधारित हैं। ट्रीज वाले के अंदर हम लोग पेड़ बड़ा करते हैं, हमारी नर्सरी है, पेड़ लगा के देते हैं, पेड़ बड़ा करके देते हैं, पेड़ ट्रांसप्लांट भी करके देते हैं। उत्कर्ष के बारे में ज्यादा जानने के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए, आप हमारी वेबसाइट www.utkarshagro.com, agrochem.com, agrotech.com आप देख सकते हैं। हम आज बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है प्रॉफिटेबल ग्राउंड नट फार्मिंग के बारे में, वो सब हम कवर करेंगे। क्या क्लाइमेट को सूटेबल रहता है, कैसी जमीन होनी चाहिए, जमीन कैसे तैयार करनी है, कितना सीड हमें चाहिए, कैसे सोइंग की जाएगी, राइजोबियम कल्चर का क्या महत्व है ग्राउंड नट की फार्मिंग में, क्या न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है ग्राउंड नट की फार्मिंग में, कैसे पानी देंगे, कितना पानी देंगे, मल्चिंग का क्या महत्व है, आप ग्राउंडनट के साथ में कौन सा दूसरा क्रॉप लगा सकते हैं, क्या पेस्ट आते हैं, क्या डिजीज आते हैं, उनको मैनेज कैसे करना है, कैसे कंट्रोल करना है, हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे और कितना अंदाजित यील्ड अपना आ सकता है। क्लाइमेट मैं अलग अलग स्लाइड्स कवर करूंगा, आपको किसी भी टाइम में कोई भी क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, या मैं उसी समय जवाब दे दूंगा या मैं एंड में जवाब दूंगा, कुछ भी आपका मिस ना हो जाए वो आप देख लेना। आप जो ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्राउंडनट को उगाने के लिए, मूंगफली को उगाने के लिए होता है 25 से लेके 35 डिग्री टेम्परेचर। ठंडा टेम्परेचर रात के समय और अगर कूलर टेम्परेचर रहता है तो वो ग्राउंडनट की साइकिल को लंबा कर डालता है। ग्राउंडनट खूब सेंसिटिव रहता है फोटो पीरियड, मतलब फोटो पीरियड के कितने समय उसको सूर्यप्रकाश मिल रहा है और सूर्यप्रकाश नहीं मिल रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि भाई ग्राउंड नट को कम पानी मिले तो चलता है, लेकिन अच्छा रिजल्ट, अच्छी प्रोडक्शन तब आती है जब सॉइल के अंदर अलग अलग स्टेजेस है जिसके बारे में बात करूंगा। सोइंग के समय अच्छा पानी होना चाहिए, एकदम बरसात पड़ी हो जानी चाहिए पानी की, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस है उस समय बिल्कुल पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। जो छोटी सीड वाली वैरायटी रहती है, जो जल्दी मैच्योर होती है, उनको अराउंड 300 से 500 mm बरसात की जरूरत रहती है, और जो मीडियम और लेट मैच्योरिंग जो बड़ा दाने वाली वैरायटी रहती है उसको 1000 से 1200 mm पानी बरसात की जरूरत रहती है। अगर हम एक्सक्लूसिवली बरसात आधारित हम मूंगफली का उत्पादन कर रहे हैं तो जमीन जमीन कैसी होनी चाहिए, रेताल जमीन होनी चाहिए सबसे अच्छी, ताकि जब दाना बनने का शुरुआत हो, जब वो पैक फॉर्मेशन जब हो रहा दाने बनने का पॉलिनेशन के बाद में, तो उसको एकदम आसानी हो
साथ में जब मूंगफली का क्रॉप तैयार हो जाता है तो एकदम आराम से उसको खोद के बाहर निकाला जा सके, जो पूरा का पूरा ग्राउंडनट का मूंगफली का जो पूरा पॉड है वो उसको बिल्कुल भी नुकसान ना हो। ग्राउंडनट को खूब सेंसिटिव है पीएच के बारे में और क्षार के बारे में, तो अगर पीएच आपकी जमीन का 5 से कम है तो उसके अंदर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी, मतलब कि ज़्यादा वो अवेलेबल हो जाएगा। ज़्यादा मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम अवेलेबल होता है तो क्रॉप को नुकसानकारक होता है। तो अगर आपका पीएच को आपको कैसे भी करके 6 के ऊपर मेंटेन करना है, 6 के ऊपर मेंटेन करने के लिए आपको कैल्शियम को डालने की ज़रूरत है, चूनों को जिप्सम या चूना डालने की ज़रूरत होती है, तो पीएच 6 के ऊपर मेंटेन होता है अगर आपके सॉइल का पीएच 5 से कम है। तो जमीन की तैयारी, लैंड प्रिपरेशन, जमीन में जो भी हमने पिछला क्रॉप लिया हुआ है, जो अलग अलग तरह के जीवात हैं या रोग हैं उनको फैला सकते हैं तो उनको दूर रखना है। अगर आपकी जमीन लाइट है, मतलब हल्की जमीन है, तो उसके बाद में उसको रेकिंग, मतलब कि रेकिंग करने की जरूरत है, मतलब थोड़ा खेड़ा रेक हवा अंदर आए उसकी जरूरत है अगर पहली बरसात के बाद में। इसकी वजह से जो भी जल्दी जो भी खरपतवार वीड्स उगने वाली हैं वो दूर हो जाती हैं, और जो सॉइल के सरफेस के ऊपर जो कड़क भाग आ गया है वो भी टूट जाता है ताकि हवा का अवर जवर अच्छा हो। जहां पर जमीन गीली रहती है, जहां हैवी जमीन है, जो ब्लैक जमीन है जिसपे क्ले का प्रमाण ज्यादा है, तो उसको पहले अच्छी तरह से प्लाव करना चाहिए ताकि जो भी खरपतवार जो भी नीनामन उगने वाला है वो बैठ जाए और जमीन ढीली बन जाए, और उसके बाद में हैरो लगाकर जमीन को तोड़कर जमीन तैयार करनी चाहिए। अगर आपकी जमीन हैवी है, काली जमीन है, तो आपको पहले रेज बेड, मतलब कि पाड़ा बनाकर करना चाहिए ताकि अगर बरसात ज्यादा होती है तो पानी भर नहीं जाए और उसकी वजह से तो फंगस का प्रॉब्लम ना आ जाए। अगर आप पाड़ा बनाकर या मतलब रिजिस के ऊपर ग्राउंडनट की खेती कर रहे हैं तो बनाने के बाद में उसका जो टॉप रहता है उसको फ्लैट करने की जरूरत होती है। अगर आपकी जमीन लाइट है, रेताल जमीन है, तो आपने अगर पाड़ा बनाया, रिज बनाया है, तो उसके बाद में एक लाइट सा रोलर घुमा देने की जरूरत है ताकि आपका जो बेड है वो एकदम नरम ना रहे, एकदम व्यवस्थित फॉर्म बन जाए। नॉर्मली मूंगफली की खेती डायरेक्ट बीज से होती है, सीधा बीज को लगाया जाता है। अराउंड 80 से 100 किलोग्राम बीज की जरूरत रहती है एक एकड़ जमीन के लिए। इसको लगाने का समय नॉर्मली अभी है, जून जुलाई में या दिसंबर जनवरी में भी कुछ एरिया में लगाया जाता है। बुआई, सोइंग, बुआई से पहले जो बीज होते हैं उनकी तैयारी अच्छी तरह करनी होती है। जो दाने होते हैं उनको हाथ से उसका छिलका निकाला जाता है और उसको सॉर्ट कर दिया जाता है, मतलब उसको के ताकि कुछ भी उसमें रह ना जाए बीच में, कुछ भी ऐसा दाना ना हो जो मैच्योर नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ हो, या कोई छोटा दाना ना आ जाए। अगर ऐसा रहेगा तो वो उगेगा नहीं और वो जगह खाली रह जाएगी। एक बार बीज को अच्छी तरह से सॉर्टिंग कर लिया है, उसके बाद में उसको इंसेक्टिसाइड के साथ में, जंतुनाशक के साथ में या फंगिसाइड के साथ में ट्रीट किया जाता है ताकि जमीन जन्य फंगस या बैक्टीरिया ना लगे। अगर फंगिसाइड हम लगा रहे हैं तो वो जमीन में जो पेस्ट होते हैं वो डैमेज नहीं करें। कई बार कई एरिया में ग्रब्स आते हैं तो उसमें इंसेक्टिसाइड को भी लगाया जाता है। क्या क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे, तो वो मैं आगे बात करने ही वाला हूँ। स्पेसिंग की बात है, स्पेसिंग डिपेंड करता है किस तरह की आपकी वैरायटी है और उसका किस तरह की जमीन है। जो छोटे सीड रहते हैं, छोटे दाने वाला जो रहता है उसको नजदीक लगाया जाता है, तो दो रो के बीच में 60 सेंटीमीटर का 60 सेंटीमीटर का अंतर रखा जाता है और 10 सेंटीमीटर का अंतर दो पौधों के बीच में रखा जाता है। तो अगर इस तरह से हम रखते हैं तो अराउंड 1,67,000 पौधे बनते हैं एक हेक्टर के अंदर। अगर बड़े बीज वाली हम वैरायटी लगा रहे हैं तो
दो रो के बीच में 75 सेंटीमीटर का अंतर रखा जाता है और दो दानों के बीच में 15 सेंटीमीटर का रखा जाता है, जिससे कि अराउंड 89,000 का प्लांट पॉपुलेशन प्रति हेक्टर होता है। अगर इरिगेशन पूरी अवेलेबल है तो आप और भी नजदीक रख सकते हैं और 2.5 लाख प्लांट्स प्रति हेक्टर भी आप कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट के लिए अगर आप केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप कार्बेंडिज्म का फंगीसाइड में कार्बेंडिज्म का कर सकते हैं या थायरम का इंसेक्टिसाइड का कर सकते हैं। काफी लोग मैं जानता हूँ राजस्थान के अंदर डेंटोटसू का भी करते हैं सीड ट्रीटमेंट, ताकि ग्रब्स ना लगे। अगर आप ऑर्गेनिकली करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक में भी काफी अच्छे रिजल्ट हैं, तो आप पाउडर फॉर्म में जो उत्कर्ष का ट्राइकोज आता है, ट्राइकोडर्मा वीडी, वो आप कर सकते हैं 4 ग्राम प्रति किलो सीड, या आप सुडोमोनस जो सुडोस के नाम से आता है तो वो 10 ग्राम प्रति किलो सीड आप आराम से कर सकते हैं। ग्रब्स का ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप ग्रब नील का भी इस्तेमाल सीड ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं। रिसर्च के हिसाब से देखा गया और हमारे अनुभव के हिसाब से देखा गया कि राइजोबियम कल्चर का खूब ज्यादा महत्व है, तो अच्छा ग्रोथ हो तो उसके लिए 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से राइजोबियम कल्चर, जो हमारे राइजोस के नाम से आता है, और 250 ml फॉस्फोस का भी सीड ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर सीड ट्रीटमेंट आप नहीं कर रहे हैं, सीड ट्रीटमेंट करवा रह गया है, तो प्रति एकड़ आप अराउंड 1 लीटर राइजोस और 1 लीटर फॉस्फोस को 25 किलो गोबर खाद के अंदर, 25 किलो सॉइल के अंदर मिक्स करके डाल सकते हैं। राइजोबियम कल्चर का खूब महत्व है और इसलिए मैंने खास ये स्लाइड बनाई है। अगर राइजोबियम के साथ में राइजोस जो हमारा आता है उसके साथ में अगर किया जाता है, तो जो राइजोबिया बैक्टीरिया होता है वो पौधे के जो रूट हेयर होता है उसके अंदर घुस जाता है उगने के बाद में। जहां से वो घुसता है, जहां से उसकी एंट्री पॉइंट होती है, तो वहां से पौधा एक तरह का रूट्स को डेवलप करता है। एक बार पौधे में और राइजोबियम में एक रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है तो वो प्लांट को राइजोबियम को एनर्जी प्रोवाइड करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, और राइजोबियम जो है उसके बदले में हवा से नाइट्रोजन लेकर फिक्स करता है, तो वो एब्जॉर्ब करने के फॉर्म में ले लेता है, जिसको प्लांट आराम से यूज कर सकता है। इसकी वजह से प्लांट और राइजोबियम दोनों को खूब बेनिफिट होता है और इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है, जो एक दूसरे को फायदा कराते हैं। राइजोबियम को जब प्लांट के नोड्यूल में रहते हैं तो उसको सिम्बायोन्ट बायोन्ट कहते हैं। तो राइजोबियम का खूब महत्व है मूंगफली की खेती के अंदर, आपको उसका पक्का यूज करना चाहिए। इसके लिए हमारा उत्कर्ष का राइजोस भी आता है और राइजोबियम कल्चर हमारा माइक्रोब्स नाम के कल्चर में भी आता है। तो ये हमारा ट्राइकोडर्मा है जो लिक्विड में भी है, सुडोमोनस लिक्विड पाउडर दोनों में आता है। खाद कितना देना चाहिए? ग्राउंडनट की खेती के अंदर अराउंड 8 टन प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एकदम सड़ा हुआ गोबर खाद देना चाहिए। वो नियरली 1 महीना पहले दे देते हैं, लगाने से पहले देते हैं, तो अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। अगर मिक्स करके देते हैं तो प्लांट का डेवलपमेंट और जमीन का स्ट्रक्चर दोनों बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बहुत अच्छी आती है। फर्टिलाइजर जैसे मैंने आगे किया गया, एक रीजनेबल लेवल ऑर्गेनिक मैटर का होना खूब जरूरी है। अगर लाइट अगर आपकी रेताल जमीन है, ग्राउंडनट के एक पूरा बहुत बड़ा रूट सिस्टम बनता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो क्रॉप है वो बनता ही जड़ों के अंदर है, नीचे की साइड ही बनता है, तो उसे इसलिए काफी बड़े लेवल में ऑर्गेनिक मैन्योर की जरूरत होती है। अगर हो सके तो उसको किसी भी दलहन क्रॉप के बाद में लगाना ज्यादा अच्छा, जैसे वो मेरा आगे की स्लाइड में भी आएगा कि इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन कैसे करना है। एक बैलेंस एनपीके की जरूरत रहती है, उसमें कितना एनपीके चाहिए वो भी आगे आएगा। अगर जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर एसिडिक जमीन है तो आपको कैल्शियम को ऐड करना पड़ेगा ताकि पीएच का लेवल मेंटेन हो और सीड की क्वालिटी भी उसकी वजह से सुधरती है। अगर कैल्शियम की कमी आपके अंदर रहती है तो जो अपना क्या बोलते हैं, जो मूंगफली बनती है उसमें दाने नहीं बनते हैं और काफी खाली रह जाता है, और जो हमें उत्पादन चाहिए वो उत्पादन नहीं आता है।
इसलिए कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं आनी चाहिए, कैल्शियम का खास ध्यान रखना है हमें उगाने में। कैल्शियम जो है वो इजीली ट्रांसलोकेट, मतलब जल्दी से हिलता नहीं है, घुसता नहीं है, इसलिए उसे बने हो सके तो उसको फ्रूटिंग जोन के पास रखना चाहिए। कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हमने उत्कर्ष में एक हमारा स्पेशल प्रोडक्ट है जिसका नाम है रिलीज। रिलीज और कैल्शियम को हम जब साथ में देते हैं तो कैल्शियम का मूवमेंट जड़ों के पास ज्यादा अच्छी तरह हो जाता है, तो आप रिलीज का उपयोग कर सकते हैं अगर आपके यहाँ पे कैल्शियम की कमी रहती है। अगर आपका जमीन के अंदर जैसे कैल्शियम की कमी रहती है तो आप शुरू में जिप्सम दे सकते हैं, अराउंड 80 से 240 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं अगर आपकी बड़ी सीड की वैरायटी है तो। एनपीके की रिक्वायरमेंट नॉर्मली 16-16-24 के हिसाब से है प्रति किलो प्रति एकड़ शुरुआत में बेजल में। अगर बोरॉन की भी कमी रहती है तो आप बोरेक्स दे सकते हैं 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से शुरुआत में बेजल में ही। जब पैक फॉर्मेशन दाना बनने का जो नीचे जाने का शुरू होता है, जब पैक फॉर्मेशन बोलते हैं जिसके अंदर दाना क्या बोलते हैं पॉड नीचे की जब अंदर जाना शुरू होता है, उस समय वापस से आप जिप्सम को 80 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं और मिट्टी चढ़ा देते हैं प्लांट्स को। ये कुछ हमारा रिकमेंडेशन है कि जब आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में आप SSP 50 किलो, MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 किलो, मार्वल जी 5 किलो, कॉम्बी सॉइल 5 किलो, सीड की कोटिंग आप कर सकते हैं माइक्रोब्स के साथ में, ग्रबनील के साथ में या ट्राइकोडर्मा के साथ में। माइक्रोब्स के अंदर सभी चीज़ें आ जाती हैं, इससे आप कर सकते हैं। बाद में ग्रोथ स्टेज में आपको ड्रेंचिंग कर सकते हैं करना है रूट्स मल्टीप्लायर और स्ट्रेस ट्री का। 25 दिन के बाद में सॉइल एप्लीकेशन वापस करना है MOP का और यूरिया का। उसके बाद 30 दिन के बाद में अराउंड मार्वल और हॉर्स पावर का करना है। ये पूरा का पूरा शेड्यूल इस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमारा हर 10-10, 15-15 दिन के हिसाब से हमारा शेड्यूल है ताकि दाना एकदम अच्छी तरह बने और एकदम कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं कि सीड कोटिंग के लिए ग्रबनील का और माइक्रोब्स का ट्रीटमेंट 10 दिन के बाद में रूट्स बनाने के लिए रूट्स मल्टीप्लायर स्ट्रेस फ्री ग्रोथ स्टेज में, फ्लावरिंग के लिए हॉर्स पावर मार्वल डबल कॉम्बी, पॉड डेवलपमेंट के स्टेज में बीम प्लस एफ एन आंसर 13045। ये हमारा पूरा का पूरा स्प्रे शेड्यूल है, ये हमारा बेजल शेड्यूल है जो लगाने से पहले आपको करना है। तो हमने इन सबको आपको एकदम रीजनेबल प्राइस में मिले इसके लिए अलग अलग किट बना दी है। ये हमारी बेजल डोज की एप्लीकेशन की किट है जो नॉर्मली आप एक एक लेते हो तो 5100 का पड़ता है, अगर एक साथ में लेते हो तो 3999 का पड़ता है। ये बेजल डोज में क्या क्या हमने कवर किया है वो भी इसमें आ गया है। फ्लावरिंग स्टेज की हमारी ये किट है, फ्लावरिंग स्टेज में क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है और क्या कैसे करना है वो भी ये इस किट के अंदर हमने पूरा बता दिया है। पानी इरिगेशन आप कैसा करेंगे, अगर आप गर्मी के समय लगा कर रहे हैं तो आपको 11 से 12 बार पानी देने की जरूरत है ऑप्टिमम, वो सही तरीका है। पहला जो इरिगेशन है वो 0 से 10 दिन में देना है, एक पानी आपको 10 से 30 दिन में देना है क्रॉप लगाने के, दो पानी आपको 30 से 50 दिन में देने हैं, तीन पानी आपको 50 से 80 दिन में देने हैं और दो पानी आपको 80 से 90 दिन में देने हैं और सॉरी एक पानी आपको 80 से 90 दिन में देना है और दो पानी आपको 90 से 105 दिन में। आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो हर 10 दिन में आपको एक इरीगेशन देना है तो आपका प्रोडक्शन जितना आपको चाहिए बेस्ट चाहिए उतना आ जाएगा। एक बार पौधा अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो जाता है तो आप 15 से 20 दिन के लिए पानी बंद कर सकते हैं, इसकी वजह से पौधे के अंदर एक स्ट्रेस होता है और उसके अंदर खूब अच्छी फ्लावरिंग भी आती है। मतलब स्ट्रेस देना जान मुश्किल देना काफी अच्छा रहता है क्योंकि उसकी वजह से स्ट्रेस की वजह से जड़े भी बहुत अच्छी बनती है और फ्लावरिंग बहुत अच्छा आता है। जब 50 से 80 दिन में मॉइस्चर मेंटेन करना खूब ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि उस समय पैग फॉर्मेशन मतलब ये जब मूंगफली का जो रूट्स है वो बन के नीचे जाना शुरू होता है और पॉड फॉर्मेशन मतलब कि जो बाहर का भाग होता है वो बनना शुरू होता है, सबसे क्रिटिकल स्टेज है। इस समय बिल्कुल भी पानी की खींच नहीं आनी चाहिए।
फ्लावरिंग, पेगिंग और पॉट डेवलपमेंट, फूल आना, जो पौधे का नीचे की तरफ जाकर स्टेम बनाना, और जो दाना बैठाने का जो जो बार का जो हिस्सा होता है उसका बनने का जो पॉट डेवलपमेंट का फेज रहता है वो खूब क्रिटिकल रहता है, उसमें भेज मॉइस्चर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अगर कुछ भी कमी आएगी तो आपको जो प्रोडक्शन चाहिए वो प्रोडक्शन कभी नहीं मिलेगा। अब अगर आपका ठंड के समय आपका कर रहे हैं दिसंबर जनवरी के अंदर, तो आपको एक इरिगेशन सोइंग के टाइम पे या उससे पहले करना है, एक चार से पांच दिन के बाद में करना है, एक आपको 20 दिन के बाद में करना है। इस तरह से आपको ठंड के अंदर का इरिगेशन थोड़ा अलग रहता है, खास करके पानी की कोई कमी ना आए और आपकी जमीन के हिसाब से आपका पानी एकदम मॉइस्चर मेंटेन करें, वो खूब ज्यादा जरूरी है। मल्चिंग, फिल मल्चिंग का खूब ज्यादा महत्व है। अगर आप बेड बना के कर रहे हैं, पाड़ा बना के कर रहे हैं, तो मल्चिंग का जरूरत रहती है। मल्चिंग की वजह से आप जो मॉइस्चर मेंटेन करना होता है मॉइस्चर मेंटेन रहता है, खरपतवार वीड्स भी ज्यादा जल्दी नहीं उगते हैं, और उसकी वजह से दाना भी बहुत अच्छा बनता है। जैसे बताया आप ये खास करके बड़े दाने के लिए मल्चिंग का रिकमेंडेशन है, जिसमें आपको पानी की अवेलेबिलिटी भी आपके पास अच्छी खासी है कि बेड 60 mm का कर सकते हैं और 15 cm का दोनों साइड पर परो बना सकते हैं। तो इस तरह से 4.5 meter by 6 meter के अंदर आप 5 beds बना सकते हैं, और उसके ऊपर ब्लैक पॉलिथीन शीट 90 cm की जो जिसकी पौड़ाई होती है वो आप लगा सकते हैं। पर क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप है तो पतली वाली भी आप मल्चिंग शीट लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जिस तरह से हम जो स्पेसिंग में हम लगाने वाले हैं उसके हिसाब से होल्ड करना होता है और क्या बोलते हैं दाने को लगाया जाता है। मल्चिंग करने से बिना मल्चिंग के बजाय मल्चिंग के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा आता है, ऐसा रिसर्च से भी प्रूव हुआ है। इंटरक्रॉपिंग क्या क्या इसके साथ में लगा सकते हैं, अगर हर 5 row में 5 row ग्राउंडनट मूंगफली के अंदर अगर हम 1 row चौली काउपी का लगाते हैं, तो अगर आपके यहाँ पे रेड लाल रंग का जो बाल वाला अगर कीड़ा आपके वहाँ पे आता है तो इसमें बहुत आपको राहत मिलेगी। इसके साथ साथ आप लाल चोली के अलावा आप ब्लैक ग्राम मतलब उड़द भी लगा सकते हैं, सनफ्लावर भी लगा सकते हैं, फिर तिल भी लगा सकते हैं, या कोई और दलहन वाले क्रॉप भी लगा सकते हैं। अगर आप तिल ग्राउंडनट और तिल लगा रहे हैं तो उसका रेशियो 4:1 रहेगा, अगर आप ग्राउंडनट और उड़द लगा रहे हैं तो उसका भी 4 lines ग्राउंडनट की 1 line तिल की, अगर आप चौली लगा रहे हैं तो 6 lines ग्राउंडनट की 1 line चौली की, या 5 या 6 इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर सनफ्लावर के साथ लगा रहे हैं तो 6 lines ग्राउंडनट की और 2 lines सनफ्लावर की, अगर इसको साथ में आपने कर सकते हैं, दोनों को साथ में करने से हम काफ़ी तरह के पेस्ट को मेन क्रॉप से बचा सकते हैं। क्रॉप रोटेशन, ग्राउंडनट के अंदर आप काफ़ी अलग अलग तरह के क्रॉप्स के हिसाब से काम कर सकते हैं। नॉर्मली जुआर है, मक्का है, बाजरी है, उसके बाद में या फिर कोई भी जड़ों वाला है जैसे कैसावा है या शक्करिया है, उसके बाद में भी आप ग्राउंडनट को लगा सकते हैं। ग्राउंडनट नॉर्मली अगर आपने नई तरह की जमीन में लगा रहे हैं और मक्के के बाद में लगा रहे हैं तो भी उसका उत्पादन काफी अच्छा रहता है। ग्राउंडनट के बाद में वापस है ग्राउंडनट कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर हम बीच में कोई भी क्रॉप नहीं ले रहे हैं तो काफी सारी पेस्ट और काफी सारे डिजीज डेवलप हो जाते हैं, इसलिए 2 groundnut के क्रॉप के बीच में आपको कोई ना कोई दूसरा क्रॉप पक्का लेना चाहिए। वीडिंग, खरपतवार, ग्राउंडनट का क्रॉप वीड्स के सामने ज्यादा अच्छी तरह लड़ाई नहीं कर सकता, खास करके शुरुआत के स्टेज में 3 to 6 weeks के लिए सोइंग के बाद में, तो आपको वीड्स को खरपतवार को जल्द से जल्द निकालना पड़ता है ताकि कंपटीशन ना हो। क्रॉप रोटेशन अगर आप कर रहे हैं तो कुछ तरह के वीड्स नहीं उगेंगे,
आप प्री इमर्जेंस मतलब उगने से पहले वाले और उगने के बाद वाले हर्बिसाइड यूज कर सकते हैं ताकि कोई भी तरह के खरपतवार दूर हो जाए। लेकिन जब छोटे किसानों के लिए कई बार वो खरपतवार नाशक नुकसानकारक रहता है तो वो हाथ से निकाल लें उसको, जैसे मैंने आगे बताया 3 से 6 वीक मतलब 45 दिन तक वीडिंग करना खूब ज्यादा जरूरी है। एक बार पैगिंग शुरू हो गया मतलब नीचे स्टेम का बनना नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, उसके बाद में बिल्कुल भी जमीन में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए और कम से कम रखना चाहिए, और ताकि पॉट डेवलपमेंट तक मतलब 50 से 80 दिन में के बीच में कुछ भी और नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में जो भी खरपतवार आ रहा है उसको हाथ से ही दूर करना चाहिए ताकि ये क्रिटिकल स्टेज के अंदर कुछ भी नुकसान ना हो क्रॉप के। जैसे हर्बिसाइड की बात करेंगे तो क्रॉप लगाने से पहले आप फ्लूक्लोरिन को लगा सकते हैं 0.8 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। प्री इमर्जेंस के अंदर नहीं उगे उसके लिए भी सेम यही आप लगा सकते हैं, या पेंटमिथलिन लगा सकते हैं करने के लिए 35 से 40 दिन के बाद में आप ब्रीडिंग कर सकते हैं। आप 20 से 25 दिन के सोइंग के बाद में आप इमाजीथेपर भी लगा का स्प्रे कर सकते हैं 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप कोई भी हर्बिसाइड का स्प्रे नहीं कर रहे हैं तो 2 बार हाथ से होइंग मतलब या वीडिंग कर लें 20वें और 40वें दिन सोइंग करने के बाद में। जैसे मैंने आगे बताया 50 से 80 दिन के बीच में जितनी हो सके उतनी कम डिस्टर्बेंस हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाड़ा चढ़ाना अर्थिंग अप, जब पैगिंग का समय आता है तो उस समय थोड़ा सा और पॉट डेवलपमेंट इन दोनों समय में अगर थोड़ा थोड़ा मिट्टी अगर चढ़ा देते हैं तो डेवलपमेंट काफी अच्छा होता है हाथ से करके, ताकि मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाती है और ये दोनों प्रक्रिया के अंदर जमीन की, क्योंकि दोनों प्रक्रियाएं जमीन के नीचे रहती है तो करने में उसको आसानी होती है। एक बार 45 दिन हो जाए उसके बाद में अर्थिंग अभी हमें कुछ नहीं करना होता, उसके बाद कुछ डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो नहीं तो पॉड बनाने की जो प्रक्रिया है उसको ज्यादातर नुकसान करेगा। इसलिए हमें खास ध्यान देना है कि जो भी हमें पाड़ा चढ़ाना है, क्योंकि जो फ्लैट जमीन में होता है तो वो किसान चढ़ाते हैं पहले से, आप बेड है तो पाड़ा चढ़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो खास आप अर्थिंग अप के लिए चीज का ध्यान रखें। अब अपने देखेंगे कि अलग अलग पेस्ट और डिजीज के बारे में, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो किसानों को आता है वो आता है ग्रब्स का, या उसको रूट एंड पॉड फीडर कहते हैं। जो ग्रब्स जो होते हैं उनका अटैक क्रॉप में 1 महीने के बाद में ही शुरू हो जाता है, पहली मानसून प्री मानसून या मानसून की बरसात के टाइम शुरू हो जाता है। जो ग्रब्स होते हैं वो क्या बोलते हैं अलग अलग पैचेस के अंदर खेतों के अंदर नुकसान करते हैं, और वो जो जड़ें होती हैं उसके अंदर घुसकर खा लेते हैं, इसकी वजह से पौधा मुरझा जाता है और वो मर जाता है। इस तरह से ये ग्रब्स होल के अंदर ये रूट नोड्यूल्स के अंदर घुस जाते हैं। इसका कंट्रोल करने के लिए आपको अच्छी तरह से गर्मी के अंदर प्लाउ करना चाहिए जिससे कि वो लार्वा और प्यूपा जो भी है ग्रब्स का वो मर जाए और पक्षी उसको आगे खा जाए। अर्ली सोइंग मतलब बरसात से पहले की जो सोइंग होती है वो अगर कर लेते हैं, क्योंकि बरसात के आने के समय खास करके बहुत ज्यादा होता है तो अर्ली सोइंग करते हैं तो भी ग्रब्स का डैमेज कम होता है। लाइट ट्रैप्स आप रख सकते हो ताकि एडल्ट बीटल जो है ग्रब्स का वो पकड़ा जा सके। अगर आपको दिखता है कि ये एडल्ट बीटल है इसका ग्रब्स का तो उसको आप हाथ से भी पकड़ कर खत्म कर सकते हो। कर्नल जो होते हैं उसको भी केरोसिन के साथ भी ट्रीट किया जाता है, कुछ किसानों का ऐसा अनुभव है। हमारा रिकमेंडेशन है कि आप उत्कर्ष ग्रबनील को 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से अगर जमीन में देते हो शाम के समय तो वो भी जैविक तरीके से ग्रब्स को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित करता है। टर्माइट दीमक, ये दीमक जो है वो जमीन के नीचे अंडरग्राउंड रहते हैं और वो जड़ों के खा जाते हैं। वो टैप रूट के अंदर जो मेन मुख्य रूट होता है उसके अंदर घुस जाते हैं और पौधे को मार देते हैं, इसकी वजह से प्री मैच्योर डेथ हो जाती है पौधे की।
फिर उसके बाद वो पॉट के अंदर घुस जाते हैं और पूरा का पूरा बीज को भी खा जाते हैं और पूरा पौधे क्रॉप को खत्म कर डालते हैं। हाय राजकुमार जी, वील बी शेयरिंग दिस एंटायर वीडियो ऑन यूट्यूब, सो यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग, यू विल नॉट मिस एनीथिंग। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? जैसे ही ग्राउंडनट का हार्वेस्टिंग हो जाता है, उसको तुरंत के तुरंत मैच्योरिटी के बाद में उसको निकाल देना चाहिए ताकि टर्माइट का अटैक ना हो। दूसरा, इपोमिया विस्टोलोसो का ट्विक जो होते हैं वो यूज कर सकते हैं टर्माइट से बचाने के लिए, या फिर आप टर्मिनल का उपयोग कर सकते हैं गोबर खाद के साथ में, अगर मिक्स करके डाल देते हैं तो टर्माइट खूब आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। ये हमारा प्रूवन फॉर्मूला है। दूसरा है ग्राउंडनट ब्रूचिड। ग्राउंडनट ब्रूचिड जो होते हैं वो अंडे से निकलने के बाद में जो जो लार्वा होता है वो सीधा जो पॉड होता है ये पॉड, इसके अंदर सीधा होल करके सीधा सीड को खाने चला जाता है। सबसे पहला अपीयरेंस इस तरह से दिखता है कि एक तरह की खिड़की बन जाती है, विंडो बना दिया जाता है, और उसके बाद में जो पॉड का दीवार में बना के वो अंदर घुस जाता है। जो कीड़ा जब प्यूपा से बाहर निकलता है, जो एडल्ट होता है वो पॉड से निकलकर इनसे बाहर निकल जाता है। जैसे वो बाहर निकलता है तो हमें कुछ सिल्की सिल्की जैसा या कुछ उसके वो जो शिट होती है, एक्सक्रीटा होती है, हगार होती है, वो हमें दिखाई देती है। उससे आइडिया आ जाता है कि ये ग्राउंडनट ब्रूचिड यहाँ पे लग गया है। नॉर्मली जो प्यूपा होता है वो काफी बड़ी संख्या में देखने को मिलता है, और ये जिन दानों का के ऊपर ये लग जाता है तो वो उसके बाद में उसका ऑयल भी नहीं निकाला जाता और कोई उसको ह्यूमन बीइंग खा भी नहीं सकते हैं। इसके अंदर अगर अपने को मालूम पड़ जाता है अगर ये है तो उसका जो अंडे होते हैं उसको इकट्ठा किया जाता है मैन्युअली, उसको खत्म कर दिया जाता है। अगर अपने को मालूम पड़ गया कि अगर कोई जगह पे है तो वहां पे बड़े बड़े ट्रेंच खोद दिए जाते हैं ताकि वो आगे ना बढ़ सके। अगर दिखता है तो हम उत्कर्ष बायो क्लीन स्वीप का 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम स्प्रे करते हैं तो हम इसे आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। एफिड्स दोनों एडल्ट भी और निम्फ दोनों के दोनों रस चूस लेते हैं फ्लावर में से और पौधे में से। इसकी वजह से जो फूल निकला होता है और स्टेम होता है उसकी शेप पूरी की पूरी खराब हो जाती है। अराउंड काले रंग का कुछ कवच बन गया हो और चिकनाहट जैसी आ रही हो ऐसा लगना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से वायरस भी कई बार लग जाता है इसके अंदर। जैविक तरह से कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रीडेटर्स होते हैं जैसे कि कोकिनेलिड्स जो एफिड्स को कंट्रोल करने के मदद करते हैं। क्राइसोपा का भी उपयोग आप कर सकते हैं 3000 प्रति हेक्टर के हिसाब से। अगर आप ऑर्गेनिक तरह से खेती कर रहे हैं तो एफिड्स का कंट्रोल हो जाता है। अगर आप केमिकल तरह से कर रहे हैं तो आप पैरोथियन का उपयोग कर सकते हैं, मेलोथियन का कर सकते हैं, इससे एफिड का कंट्रोल आसानी से हो जाता है। जैसे ही आपको दिखाई देता है कि क्या बोलते हैं कि तो तुरंत ही पेस्ट का कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप जैविक तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप उत्कर्ष का बायो क्लीन स्वीप का 2 ml के हिसाब से आप स्प्रे करते हैं तो आराम से इसका नियंत्रण हो जाता है। जैसे जो अपने हमें गुजराती में बोपटी बोलते हैं तो वो भी उस सिमिलर तरह से काम करती है, जिस तरह से रस चूस डालते हैं वो भी। और हम पौधे को यूं हाथ लगाते हैं तो पीला हरा रंग का एक कीड़ा हमको दिखाई देता है, वो भी रस चूस के पूरा का पूरा नुकसान कर डालता है। इसका मैनेजमेंट करने के लिए आप क्या बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं लैब का 4:1 के रेशियो में, जिससे जेसिड उस लैब के ऊपर चला जाए। आप उत्कर्ष का नीमोस गोल्ड का 10,000 ppm के हिसाब से भी स्प्रे कर सकते हैं या उत्कर्ष का बायो क्लीन स्वीप का भी स्प्रे कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है दोनों का जैसिड को कंट्रोल करने के लिए। थ्रिप्स नॉर्मली नए पत्तों के ऊपर आता है,
जब वो आता है तो एक तरह की चिकनाहट खड़ा कर देता है और पूरा का पूरा नए पत्ते खराब हो जाते हैं। अगर ज्यादा अटैक हो जाता है तो पौधे का पौधा छोटा रह जाता है और क्या बोलते हैं, और उसका ग्रोथ भी आगे नहीं बढ़ पाता और प्रोडक्शन के ऊपर भी उसकी नेगेटिव असर आती है। थ्रिप्स का करने के लिए हो सके तो जल्दी सोइंग कर लें, जून के फर्स्ट पहले 15 दिनों में कर लें। थ्रिप्स अगर आपके एरिया में ज्यादा है तो आप उसके साथ में सनफ्लावर लगा दें, जैसे मैंने बताया आगे कि इंटरक्रॉपिंग कर लीजिए। आप थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग केमिकल्स का जो उपयोग होता है वो कर सकते हैं। अगर आप जैविक तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप उत्कर्ष बायो क्लीन स्वीप का 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आराम से कर सकते हैं। रेड स्पाइडर माइट, इसको हम माइट रेड माइट्स भी बोलते हैं, दोनों स्टेज एडल्ट और निम्फ दोनों स्टेज पत्ते के पीछे के साइड पर रस चूसने का काम कर डालते हैं। हम जब पत्ते के पीछे देखते हैं तो छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं, अगर हम उसको उंगली के ऊपर लेते हैं तो लाल लाल रंग का हमारा हाथ में आ जाता है, इससे क्लियर हो जाता है कि रेड माइट्स आ गई हैं। ये नॉर्मली दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और रात का कम होता है तभी ये ज्यादा देखने को मिलता है। तुरंत इसका कंट्रोल कर लेना चाहिए उत्कर्ष निमोस गोल्ड या उत्कर्ष बायो क्लीन स्वीप का स्प्रे करके। जैसे मैंने आगे बताया था कि रेड हेयरी कैटरपिलर ये कुछ विस्तारों में देखा गया है, तो अगर रेड ये वाला कीड़ा अगर है तो जैसे मैंने बताया कि आपको रेड काउपी मतलब लाल चौली का क्या बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग करना चाहिए। अगर ये वाला कीड़ा आपके वहाँ पे ज्यादा आता है ये पूरा का पूरा पत्तों को खत्म कर डालता है और बहुत बड़े बड़े छेद हो जाते हैं पत्तों के अंदर, ये बहुत बड़ी संख्या में एक साथ में आ जाता है और नियरली अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरे के पूरे क्रॉप को खत्म कर डालता है। इसके मैनेजमेंट के लिए एनपीवी का स्प्रे किया जा सकता है। फिर रात के समय आग लगाई जा सकती है ताकि क्या बोलते हैं रेड हेरी कैटरपिलर दूर किया जा सके। आप गर्मी के समय अच्छी तरह से प्लाउइंग करना चाहिए ताकि जैसे मैंने बताया आगे के पक्षी आकर को खा जाए। और ये इंटरक्रॉपिंग करने की बात है, इंटरक्रॉपिंग मतलब इसके साथ में करना, जैसे एक रो काउपी की 5 रो ग्राउंडनट की, आगे मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। इसके अलावा जो दूसरे क्रॉप्स भी मैंने बताया वो भी कर सकते हैं साथ में। अगर ये अटैक शुरू में आ जाता है तो आप उत्कर्ष का बायो क्लीन स्वीप का भी स्प्रे आराम से कर सकते हैं। दूसरा एक कुदरती तरीका भी है कि नींबू का 150 ml नींबू का और 150 ml इमली का भी जूस अगर 15 लीटर में डालते हैं तो उसको भी इफेक्टिव पाया गया, ये भी अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। लीफ माइनर, ग्राउंडनट लीफ माइनर, लीफ माइनर के अंदर 2 लेयर के बीच में कीड़ा चलता है, पूरे के पूरे लाइनें कर डालता है, पूरी की पूरी लाइनें उसमें बननी शुरू हो जाती है और एक तरह का उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस के ऊपर असर आता है। अगर लीफ माइनर का हमें अटैक देखने को मिलता है तो जैसे रेन पेड़ अगर एरिया है तो आप जल्द हो सके तो पानी की अवेलेबिलिटी है तो अर्ली सोइंग कर लेनी चाहिए, लाइट ट्रैप रखना चाहिए ताकि उसके जो एडल्ट को हम कंट्रोल कर सकें। इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं सोयाबीन के साथ में या बाजरी के साथ में या लबलब के साथ में, मल्चिंग भी कर सकते हैं और निमोस सिल्वर मतलब हमारा जो 1500 ppm वाला है उसका या निमोस गोल्ड 10,000 ppm वाले नीम ऑयल का भी उपयोग कर सकते हैं लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए। टोबैको कैटरपिलर, ये ब्राउन कलर का एक तरह की ईयर रहती है जो पत्तों को खा जाती है, ये पत्तों को बहुत जल्दी खत्म कर डालती है। जब ये आती है तो इसके अंदर भी हमें उसका क्या बोलते हैं शीट दिखाई देती है तो मालूम पड़ जाता है कि ये टोबैको कैटरपिलर है और ये भी बड़ी संख्या के अंदर एक साथ में मूव करते हैं, तो इनके नियंत्रण के लिए आप टोबैको कैटरपिलर के फेरोमोन ट्रैप आते हैं 5 प्रति एकड़ रख दीजिए। अगर आपके में आपके यहाँ एरिया में ज्यादा है तो आप दिवेल जिस कैस्टर का उपयोग कर सकते हैं एज ए ट्रैप क्रॉप क्योंकि वो पहले कैस्टर के ऊपर चली जाएगी। अगर आपको अंडे दिखाई दे रहे हैं तो एक कॉटन जैसे क्या बोलते हैं व्हाइट कॉटन जैसे अंडे होते हैं
वो आप उसको पूरा पकड़ के दूर क्या होते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा अटैक आ गया तो ट्रेंचेस बना सकते हैं ताकि वो आगे ना बढ़े। एनपीवी का उपयोग कर सकते हैं, एनपीवी भी आता है अपना ये टोबैको कैटरपिलर करने का, और जैविक तरह से आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो उत्कर्ष बायो क्लीनशिप का 2 ml के हिसाब से बहुत आसानी से नियंत्रण हो जाता है। ग्राम कैटरपिलर, ये हरी रंग की नॉर्मली कैटरपिलर रहती है, ईयर हम बोलते हैं इसे, ये भी पत्तों को ही खाती है और ज्यादा कई बार वो जमीन के अंदर घुस जाती है तो पॉड को भी नुकसान कर देती है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप सनफ्लावर को एज ए बॉर्डर में लगा सकते हैं या इंटरक्रॉप की तरह लगा सकते हैं। पेरोमेन ट्रैप या लाइट ट्रैप रख सकते हैं। मोनोक्रॉपिंग नहीं करनी चाहिए अगर आपके यहाँ पे है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का उपयोग जितना हो सके उतना मध्यम करें अगर आपके यहाँ पे अटैक ज्यादा आता है। क्रॉप रोटेशन खास करने की जरूरत है, जैसे मैंने बताया ज्वार है, बाजरा है, मक्का है या शुगर केन के साथ में। ट्राइकोग्रामा अंडे को आप छोड़ सकते हैं, या फिर अपने उत्कर्ष बायो क्लीन स्वीप का भी स्प्रे कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ में। ये हमारा बायो क्लीन स्वीप है जिसके अंदर मेटरिजियम एनिसोपली बिवेरिया बासियाना वर्टिसम लिकेनी आता है। ये हमारा उत्कर्ष निमोस गोल्ड है जिसके अंदर 10,000 ppm एजाडिरेक्टिन आता है। अब हम अलग अलग फंगस के डिजीज देखेंगे। लीफ स्पॉट या टिक्का डिजीज बहुत कॉमन देखा गया है। एक अर्ली लीफ स्पॉट होता है और लेट लीफ स्पॉट होता है। दो तरह के फंगस से ये होता है, एक होता है सरकोस्पोरा पर्सोनेटम और एक होता है सरकोप्सरा एराकिडिकोला। ये अर्ली लीफ स्पॉट के सिम्टम है जिसके अंदर इरेगुलर लाल रंग के ब्राउन रंग के स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। अंदर से लाल होता है और बाहर से वो पीलापन दिखाई देना शुरू हो जाता है अपर सरफेस के अंदर। लेट लीफ स्पॉट के अंदर वो क्या बोलते हैं प्रमाण थोड़ा ज्यादा रहता है और इसका साइज भी बड़ा रहता है। इसका मैनेजमेंट के लिए अगर जैसे अपने को कुछ भी कचरा अंदर रखना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा जो पहले वाला क्रॉप का है वो दूर कर देना चाहिए। जो भी प्लांट के ऊपर लग गया है, शुरुआत हुई है तो उस प्लांट को निकाल देना चाहिए। खरपतवार को नियंत्रण में रखना चाहिए। सीड को आप थायरम और कार्बोक्सिन जो विटाविक्स पाउडर के नाम से आता है उससे आप ट्रीट कर सकते हैं। लेट ब्लाइट अलग चीज है, मैं लेट ब्लाइट आगे आएगी, लेट ब्लाइट नहीं है ये सर, ये लीफ वो ही है, क्या बोलते हैं लीफ स्पॉट ही है। लेट ब्लाइट कंप्लीटली अलग है, आगे आएगा वो। दूसरा आप कार्बन डाइऑक्साइड मैनकोजेब का 2% के हिसाब से कर सकते हैं या क्लोरोथेलोनिल जो कवच के नाम से आता है उसका कर सकते हैं, 15 दिन के बाद में रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा जैविक तरह से आप करना चाहते हैं तो उत्कर्ष ट्राइको सूडोस का कर सकते हैं या फिर फंगफ्री का कर सकते हैं जिसके अंदर ट्राइकोडर्मा और दूसरी स्पीशीज आई जाती है जो आराम से इसको बहुत आसानी से कंट्रोल कर डालती है। रस्ट रस्ट फंगस ऑरेंज कलर के क्या बोलते हैं इस तरह से ऑरेंज कलर के पूरे दाग पूरे के पूरे उत्पन्न हो जाते हैं। जो स्पोर्स होते हैं वो रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। स्पीशीज अगर इसका इंफेक्शन ज्यादा हो जाता है तो पत्ते पूरे ढीले हो जाते हैं और गिरकर अपने ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। जो कर्नल बनता है उसका वो छोटी साइज का बनता है और वो सिकुड़ जाता है। नॉर्मली ये 6 वीक का जो क्रॉप होता है ना तो ये रस्ट फंगस हमें देखा जाता है। ये इस तरह से इसके सिम्टम्स हैं। तो जो भी इसके मैनेजमेंट के लिए हमें प्लांट को जिसके ऊपर लगा है उसको तुरंत निकाल के खत्म कर देना चाहिए। अगर आपका खरपतवार वीड ज्यादा है तो भी रोग ज्यादा होगा तो इसको कंट्रोल में करना चाहिए। मोनोक्रॉपिंग अवॉइड करनी चाहिए, जैसे बार बार बताया कि कुछ ना कुछ दूसरे क्रॉप लगाने चाहिए।
आप ट्राइकोस का, सूडोस का या फंक्री का स्प्रे कर सकते हैं, खूब अच्छा उससे नियंत्रण आ जाता है। कॉलर रॉट, क्राउन रॉट या सीडलिंग ब्लाइट, उगने से पहले जब बीज उगता ही नहीं है तो वो सीड रॉट हो जाता है। इसका मेजर कारण रहता है कि वो सीडलिंग का जो ब्लाइट होता है वो मेजर कारण रहता है। जो अपना सीड रहता है वो पानी से गीला हो गया हो ऐसा लगता है और वो लाइट ब्राउन कलर का बन जाता है। इसका जो पहला सिम्टम जो दिखाई देता है जो पौधा निकल रहा होता है वो सूखना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। पहले उसकी ब्रांचेस सूखने शुरू हो जाती है, फिर बाद में पूरा प्लांट सूख जाता है। इस स्टेज के अंदर जो हाइपोकोटाइल या टिश्यू होता है वो पूरा का पूरा सड़ जाता है। जैसे ही इंफेक्शन बढ़ता है तो वो पूरा का पूरा कॉलर के रीजन में, मतलब कॉलर मतलब कि जो जमीन से जहां पौधा बाहर निकल रहा है वहां पे पहुंच जाता है, वो ब्राउन हो जाता है और पौधा सूख कर मर जाता है। ये देखो ये कॉलर रॉट, इसमें यहाँ पे इसकी रॉटिंग होती है। इसको मैनेजमेंट के लिए आपको डीप, बहुत ज्यादा गहराई के अंदर बीज को नहीं रखना चाहिए। मैकेनिकल डैमेज ना हो, दाना किसी भी तरह से डैमेज ना आ जाए वो करना चाहिए। जो भी आपके जमीन में प्लांट्स का, इससे पहले वाले क्रॉप का कचरा पड़ा हुआ है उसको दूर कर देना चाहिए। डीप गहराई के साथ प्लाउइंग करना चाहिए और क्रॉप रोटेशन बहुत करना चाहिए चने के साथ में या वीट के साथ में। अगर आपके यहाँ ये कॉलर रॉट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, कॉलर रॉट का प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप टेट्रामिथाइल थायरम के साथ में सीड को ट्रीट कर सकते हैं, जिसको थायरम के नाम से जाना जाता है, या कैप्टन के साथ कर सकते हैं या कार्बनडीजम के साथ कर सकते हैं। आप सीड का ट्रीटमेंट उत्कर्ष पंखी के साथ भी कर सकते हैं, और रोग आ जाता है तो उत्कर्ष पंखी को स्प्रे के द्वारा या फिर पानी के साथ भी दे सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, ब्राउन कलर के स्पॉट आने शुरू हो जाते हैं। ये स्पॉट पत्तों के ऊपर भी आते हैं और डालियों के ऊपर भी आते हैं। जो स्पॉट रहता है वो बहुत बड़े रंग का, डार्क ब्राउन कलर का रहता है और उसमें भी पीला रंग का मार्जिन आता है। शुरुआत में वो छोटी साइज का होता है, धीरे धीरे करके वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, 2 से 3 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है और इरेगुलर का, कोई उसकी कोई पैटर्न नहीं होती है। स्टेम रॉट, जो प्लांट अफेक्टेड होता है वो ब्राउन कलर का, क्या बोलते हैं, एक राई के दाने का जितना रस्टिंग दिखाना शुरू हो जाता है। फोटो दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए इस तरह से क्या बोलते हैं सड़ा शुरू होता है स्टेम रॉट के अंदर। ये नीचे की जड़ें हैं, ऊपर से यह पूरा सड़ रहा है। पत्ते पीला होना शुरू होते हैं, फिर ब्राउन हो जाते हैं, बाद में गिर जाते हैं। जैसे इन्फेक्शन बड़ा होता है उस तरह से एक सफेद रंग का धागे जैसा फंगस का ग्रोथ देखा जाता है सॉइल के सरफेस पे और जस्ट ग्राउंड के ऊपर। इसको अगर हम नियंत्रण नहीं करते तो पूरा का पूरा प्लांट मर जाता है और जो क्या बोलते हैं पॉट का डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होता है। इन्फेक्टेड प्लांट जो भी है उसका, उसको पूरा का पूरा बाहर निकाल देना होता है और उसको जला देना होता है। क्रॉप रोटेशन करना है जैसे आगे बताया है। लीफ स्पॉट डिजीज को कंट्रोल में रखना है ताकि ये स्टेम रॉट में कन्वर्ट ना हो जाए। और जैसे ही कोई भी फंगस का दिखता है तो आप उत्कर्ष पंखी का 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। फ्यूजेरियम विल्ट, जब बीज उग रहा होता है तो वो उसका अटैक उगने से पहले ही पैथोजेंस के द्वारा होता है। इसकी वजह से जर्नल इसका टिश्यू का 2 भाग में कन्वर्ट हो जाता है और जो उसका सरफेस होता है सीडलिंग का उसमें एक तरह का फंगस डेवलप होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे पूरा का पूरा पौधा जो है वो ब्राउन होकर डैम्प मरना शुरू हो जाता है। शुरुआत के स्टेज में ये ज्यादातर देखा गया है। उसके बाद में उसका अटैक जड़ों पर होता है और पूरा का पूरा पौधा पीला होकर सूखकर मर जाता है। आ रहा है सर, फोटो आएंगी, प्लीज वेट। ये
इस तरह के पूरा का पूरा बिल्डिंग के अंदर आप खोल के देखते हैं तो अंदर आपको सड़ा दिखाई देगा। इसकी मैनेजमेंट के लिए आप सीट को कार्बनडीजम के साथ में ट्रीट कर सकते हैं, जरा सा भी दिखता है तो ट्राइकोस का कर सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं फंगफ्री का। ये हमारा ट्राइकोस और सूडो जैसे मैंने आपको बताया पहले, जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। फंगफ्री जैसे बताया, फंगफ्री जो है उसके अंदर अलग अलग स्पीशीज आती है, जैसे ट्राइकोडर्मा बेडी है, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है, एम्पिलोमाइसिस क्वालिसिस है, और आप काफी और दूसरी भी तीन स्पीशीज आती हैं, जिसकी वजह से आप जैविक तरह से ये सारे के सारे तरह के फंगस को खूब आसानी के साथ आप नियंत्रण में ला सकते हैं। रूट नॉट नेमेटोड क्रूमी, ग्राउंड नट का रूट नॉट नेमेटोड खूब कॉमनली देखा जाता है, जहां पर भी नेमेटोड का प्रॉब्लम होता है। जो पॉड इसमें इन्फेक्शन होता है उसके अंदर गांठें बननी शुरू हो जाती है जड़ों के अंदर, उसकी वजह से उसका रूट सिस्टम अच्छी तरह बनता नहीं है और पौधे की जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ को देख के मालूम पड़ जाता है कि इसके अंदर नेमेटोड हो सकता है, इसलिए जड़ें निकाल के चेक करनी होती है, जड़ों के अंदर गांठें हैं तो वो रूट नॉट नेमेटोड कंफर्म है। कंट्रोल करने के लिए डीप प्लॉइंग करना जरूरी है, क्रॉप रोटेशन करना जरूरी है कॉटन के साथ में, ज्यादा थोड़ा पानी भरने की जरूरत है ताकि रूट नॉट नेमेटोड दूर किया जा सके। नॉन फ्यूमिगेंट निमेटिसाइड की जरूरत है, जिसमें फ्यूमिगेशन ना होता हो, हमारा जैविक तरह से जैविक हमारा निमेटोनिल है, जिसका उपयोग करके आराम से जैविक तरह से आप क्या बोलते हैं नियंत्रण ले सकते हैं। दो एक से दो लीटर काफी हो जाता है। ये निमेटोनिल जो है ये अलग अलग स्पीशीज का बना हुआ है, जैसे पेसिलोमाइसिन लिलासिनस कुचोनिया क्लेमाइडोस्पोरिया मेटारिजियम एनिसोपली और दूसरे तीन फंगस इसमें हमने डाले हुए हैं। ये जो इतने हमने डिजीज दिखाए हैं, ये सभी डिजीज का डिस्क्रिप्शन भी मैंने अपने ब्रोशर में दिया है और सभी चीज का नियंत्रण करने के लिए पूरी हमने किट बनाई है, जिसके अंदर सभी चीजें कवर हो जाती हैं और पूरी किट 7,500 के आसपास है विद कुरियर चार्जेस। नॉन फ्यूमिगेंट का मतलब होता है जिसके अंदर गैस उत्पन्न ना हो रही हो, जैसे कि अपना ये केमिकल के अंदर थाइमेट फोरेट बोलते हैं, वो फ्यूमिगेंट फ्यूमिगेशन के हिसाब से काम करते हैं, उनका उपयोग नहीं करना है। तो ये हमारा पूरी रेंज है, सॉफ्ट रॉट या फॉलो रॉट के लिए, ये नेमेटोड्स के लिए है, ये टिक्का डिजीज के लिए, वाइट ग्रब्स के लिए और टर्माइट्स के लिए, और ये कैटरपिलर के लिए। आप पूरी किट भी ले सकते हैं, आप इंडिविजुअल एक एक करके भी ले सकते हैं, जैसा आपके यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो उसके हिसाब से। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है, ये पत्ते अगर पीले दिख रहे हैं, प्लांट ग्रोथ कमी है तो नाइट्रोजन की कमी है, तो वो नाइट्रोजन कमी आप अमोनियम सल्फेट यूरिया से नीचे देखकर या पोटेशियम नाइट्रेट कैल्शियम नाइट्रेट देखकर दूर कर सकते हैं। अगर आपके पुराने पत्ते पर्पल कलर के हो रहे हैं तो वो फॉस्फोरस की कमी है। फॉस्फोरस की कमी के लिए जैसे हमने बोला शुरू में SSP यूज करिए, और हमने एक दो बार हॉर्स पावर भी देने का बोला है, जो पॉलीफॉस्फेट है, तीन तरह के फॉस्फोरस आते हैं, मोनो डाई ट्राई तीनों तरह के, उसका उपयोग कर सकते हैं। पोटेशियम की कमी के अंदर जो नीचे के पत्ते होते हैं उसकी धार जलनी शुरू हो जाती है, उसकी कमी को दूर करने के लिए आप बेजल में MOP यूज कर सकते हैं, या आप अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो स्प्रे के द्वारा आप पोटेशियम नाइट्रेट सल्फेट ऑफ पोटाश का उपयोग कर सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी के अंदर नॉर्मली वेन्स जो होती हैं वो डार्क कलर की दिखाई देती हैं और बाकी का पत्ता पीला दिखाई देता है, उसकी कमी को दूर करने के लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट नीचे जमीन में दे सकते हैं, या मैग्नीशियम नाइट्रेट भी स्प्रे कर सकते हैं, मैग्नीशियम EDT का भी स्प्रे कर सकते हैं। सल्फर की कमी रहती है तो जो यंग पौधा होता है वो ग्रोथ नहीं हो पाता है और उसके पत्तों की साइज छोटी रह जाती है और मैच्योरिटी भी प्लांट की लेट आती है। इसके लिए आप बेंटोनाइट सल्फर है, लिक्विड लाइम सल्फर है, या सल्फर 90% WDG है, उसका उपयोग कर सकते हैं। आप अमोनियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट का भी उपयोग कर सकते हैं। जिंक की कमी के अंदर जो पत्ते होते हैं क्लस्टर के अंदर उसके पत्ते आने शुरू हो जाते हैं और छोटे होने शुरू हो जाते हैं, तो मालूम पड़ता है कि ये जिंक की कमी है। जिंक की कमी के लिए आप जिंक EDD यूज कर सकते हैं। जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है हमने इसलिए बोला है कि
आप शुरू में ही कॉम्बी सॉइल का उपयोग कर लें जिसके अंदर सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट आ जाते हैं, पत्ता पूरा का पूरा, नए पत्ते पूरे के पूरे पीले हैं तो वो आयरन की कमी है, लोह की कमी है, तो उसके लिए आप फेरस सल्फेट अलग से जमीन में दे सकते हैं, या फिर स्प्रे के द्वारा आप FEDTA जो हमारा पीग्रो है FEDTA जमीन में दे सकते हैं अगर ड्रिप से आप यूज कर रहे हैं, या आप अगर जमीन का पीएच आपका 6.5 से कम है तो FEDTP आप उपयोग कर सकते हैं जो हमारा एपी एक्वेरियम के नाम से आता है। बोरॉन की कमी के अंदर जो दाना होता है वो अच्छा अंदर से नहीं बन पाता है, उसके अंदर ऐसा ब्राउन वाला भाग भी दिखाई देता है और शेप भी उसकी बराबर नहीं होती है। बोरॉन की कमी को दूर करने के लिए आप जमीन में जैसे मैंने बताया 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बोरेक्स दे सकते हैं, अगर स्प्रे करना है तो आप डाइसोडियम ऑक्टोबोरेट जो हमारा बीशेप के नाम से आता है कैल्सी बोरॉन दे सकते हैं जो एमिनो एसिड आधारित 5.5% बोरॉन है, या एफ एनहांसर दे सकते हैं जो जिसके साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी आ जाता है। कैल्शियम की कमी खास जैसे बताया था कि लाइट सॉइल में या लो पीएच वाले सॉइल में होता है, प्लांट का ग्रोथ बराबर नहीं होता है, उसके लिए जैसे शुरू में बताया मैंने कि जिप्सम का उपयोग करना होता है और खास करके नए पत्तों में इफेक्ट होता है। आप कैल्शियम नाइट्रेट का भी स्प्रे कर सकते हैं, कैल्शियम एडीडी का कर सकते हैं, कैल्सी बोरॉन का कर सकते हैं जो 6% कैल्शियम आता है, या एफ एनहांसर का भी उपयोग कर सकते हैं कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए। मैंगनीज की कमी के अंदर नॉर्मली जो नसें होती हैं वो डार्क कलर की रहती हैं, बाकी का पत्ता पीला होना शुरू हो जाता है। अगर ये ज्यादा कमी दिखाई देती है तो प्लांट का ग्रोथ अटक जाता है। मैंगनीज की कमी को दूर करने के लिए आप मैंगनीज सल्फेट दे सकते हैं जमीन में, या फिर मैंगनीज EDTA जो हमारा मैंडेट के नाम से आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। कॉपर डेफिशिएंसी को के दूर करने के लिए आप नीचे कॉपर की सल्फेट दे सकते हैं या कॉपर EDTA का स्प्रे कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग राइट टाइम पे करना खूब जरूरी है, जैसे मैंने बताया अगर जरा से लेट होता है तो दीमक लगने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं टर्माइट्स के, जैसे ही तैयार हो जाता है करना होता है। फ्लावरिंग इंटरमीडिएट होता है ग्राउंडनट के अंदर, इसलिए क्या बोलते हैं इमेच्योर पॉड हो उससे पहले हमें उसका वो कर लेना चाहिए। जैसे ही 70-80% पॉड तैयार हो जाते हैं अंदर के शेल अपने खोल के देखते कि भी दाना तैयार हो गया है तो हमें तो ये अपने को इंडिकेशन आ जाता है कि अभी हार्वेस्टिंग के समय आ जाती है। अगर आपने प्री मेच्योरली चेक किए बिना अगर हार्वेस्टिंग करते हैं तो जो कर्नल रहता है वो सूखने पर पूरा का पूरा श्रिंक हो जाता है, तो उसकी वजह से सीड की क्वालिटी भी कम होती है, ऑयल का कंटेंट भी कम होता है और प्रोडक्शन भी कम आती है। अगर आप लेट हार्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या जो नॉन डॉर्मेंट वैरायटी है उसमें वह वापस से उगनी शुरू हो जाती हैं, इसकी वजह से लॉसेस भी देखने को मिलते हैं और कई बार कई पेस्ट भी आ जाते हैं उसकी वजह से भी नुकसान देखने को मिलता है। अगर हाई यील्डिंग वैरायटी के अंदर नॉर्मली देखा गया कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ के ऊपर आता है, बाकी तो आप कैसे प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं वो मेन इंपॉर्टेंट रहता है। ये खूब इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं क्योरिंग बोलते हैं उसकी वजह से वो ये रहता है कि अपना जो पॉड होता है उसका जल्दी जल्दी ड्राइंग चालू हो जाए ताकि एफ्लाटॉक्सिन का कंटेमिनेशन ना हो। अभी एफ्लाटॉक्सिन एक तरह का जहरी पदार्थ है, अगर वो डेवलप हो जाता है तो अगर उसका आइडेंटिफाई करते हैं तो बिल्कुल क्रॉप का भाव नहीं आता। इवन जब हम एक्सपोर्ट करते हैं अगर एफ्लाटॉक्सिन जरा से भी देखा गया तो वो ना उसका पीनट बटर एक्सपोर्ट होता है, ना पीनट एक्सपोर्ट होता है और ना ही ऑयल एक्सपोर्ट होता है। तो ये बहुत एफ्लाटॉक्सिन बिल्कुल भी उसका कंटेमिनेशन ना हो उसके लिए ड्राइंग या क्योरिंग होना बहुत जरूरी है। जो हार्वेस्टेड प्लांट जो प्लांट निकालते हैं उसको एक के ऊपर एक स्टैक करके रखते हैं फील्ड में कुछ दिनों के लिए ताकि सूर्य प्रकाश के अंदर ही वो सूखे और सूर्य प्रकाश और हवा के अंदर पॉड निकालने से पहले मॉइस्चर कंटेंट जब तक 6-8% से कम नहीं आता है तब तक ये प्रक्रिया करनी होती है। नॉर्मली ये जो सुखाने की प्रक्रिया होती है वो सन के अंदर पड़ा रहता है तो 6-7 दिन में हो जाती है। अगर बाय चांस लगता है बरसात आ रही है तो उससे पहले ढक देना चाहिए, नहीं तो पूरा क्रॉप खराब हो जाता है। अगर आप सन के पर एक्सपोज करके रखेंगे काफी लंबे समय तक
तो दोनों कर्नल की क्वालिटी मतलब स्किन क्वालिटी और सीड दोनों का जर्मिनेशन दोनों के ऊपर असर आएगी, इसलिए जरूरत से ज्यादा टाइम तक भी हमें क्योरिंग नहीं करनी है। अगर आप मशीन की द्वारा फार्मिंग कर रहे हैं तो तीनों काम हार्वेस्टर जो होता है स्ट्रिपिंग और क्लीनिंग वो एक ही ऑपरेशन में हो जाना चाहिए। उसके बाद में जो पॉड्स होते हैं उनको आर्टिफिशियली ड्राइंग ट्रेलर के अंदर क्योर किया जाता है। इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 5 से 6 डिग्री के हिसाब से एम्बियंट टेम्परेचर ज्यादा रखना चाहिए वो, लेकिन वो टेम्परेचर 35 डिग्री से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो ड्राइंग की है वो जल्दी हो जाती है और क्योरिंग जल्दी हो जाता है। ये मेरी तरफ से है, मैंने आपको अपने सारे काफी सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया है। तो हमारे प्रोडक्ट्स अमेजन के ऊपर उत्कर्ष एग्रोटेक के ऊपर अवेलेबल हैं और अब तो फ्लिपकार्ट बिग हार्ट एग्री बेगरी पर भी हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आपको जो मैंने प्रोडक्ट दिखाए हैं उसके अलावा भी हमारी कंपनी काफी सारे प्रोडक्ट बताती है। जैसे मैंने बताया था कि 100 से ज्यादा प्रोडक्ट है, तो हम मीडिया बना प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोपोनिक्स के लिए, जैसे कोकोपीट है, वर्मिक्यूलाइट, परलाइट, पूरी हमारी एक स्पेशलाइज रेंज है हाइड्रोपोनिक्स की, ग्रो ब्लू माइक्रो कैलमैग पीएच अप पीएच डाउन, पूरी वाटर सॉल्युबल की भी रेंज हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है, एमएपी एमकेपी पोटेशियम नाइट्रेट सल्फेट ऑफ पोटास 19-19-13-40-13 कैल्शियम नाइट्रेट मैग्नीशियम नाइट्रेट मैग्नीशियम सल्फेट की पूरी रेंज हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहती है। दूसरा हम नेचुरल प्लांट प्रोटेक्टर बनाते हैं, नीम ऑयल 300 ppm 1500 ppm 10,000 ppm प्लस कोल्ड प्रेस नीम ऑयल भी हम प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी हमारा पूरा रेंज है, पीजीआर आधारित के अंदर हमारा यूमिक एसिड एमिनो एसिड सीवीड फुलविक एसिड बीम प्लस रिलीज के बारे में बताया, जैसे मैं कैल्शियम नाइट्रेट के ऊपर आप कोटिंग करने के लिए स्ट्रेस फ्री जो यूमिक फुलविक एमिनो सीवीड का कॉम्बिनेशन है, प्लस बायो फर्टिलाइजर की हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है, बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड की काफी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने डिटेल में बता ही दिया आपको। दूसरा ईडीडी आधारित चिलेटेड फर्टिलाइजर एमिनो एसिड चिलेटेड फर्टिलाइजर की भी संपूर्ण रेंज है। एक्वेरियम के लिए भी हम लोग पूरा प्रोडक्ट बनाते हैं, पूरी रेंज है हमारे पास में, और स्प्रेडर भी है ऑर्डनरी स्प्रेडर नॉन आयोनिक स्प्रेडर सिलिकॉन आधारित स्प्रेडर पीएच ओके ड्रिप साफ वगैरह। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो जो कवर नहीं किया हो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं अभी आपको क्या बोलते हैं म्यूट करने का अनम्यूट करने का अलाउ करता हूं, आप अनम्यूट करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, कुछ भी पॉइंट रह गया हो या आपके मन में कोई सवाल आता हो तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। हाँ अशोक जी बोलिए, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या आप क्या बोलते हैं कर सकते हैं। ओके कोई नहीं, आप लेट ज्वाइन हुए, जो भी लेट ज्वाइन हुए हैं हम 2 से 3 दिन के अंदर कल या परसों तक हम इसको यूट्यूब चैनल पे रख देंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल है उत्कर्ष एग्रोकैम, उसको सब्सक्राइब करिए ताकि हम जैसे वीडियो नए अपलोड करें आपको उसके बारे में मालूम पड़ जाए। और उसके बाद में भी हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है ग्राउंड नट का, तो आप वहाँ भी कुछ भी फोटो डाल के पूछ सकते हैं ताकि इसलिए कुछ भी मिस नहीं होगा आपका। इसके अलावा हमने 15-20 क्रॉप से ज़्यादा का वेबिनार लिया हुआ है और उसके वीडियो भी रखे हुए हैं, आप उसके बारे में भी देख सकते हैं। दूसरा हमारी कोई भी एक्टिविटी रहती है तो वो हम फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पर सब बताते हैं, तो आप हमारा इंस्टाग्राम पे हम और फेसबुक पे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे हमारे उत्कर्ष एग्रोकैम पेज को लाइक कर सकते हैं ताकि आपको सब पता रहे कि उत्कर्ष एग्रोकैम के अंदर क्या नया नया कर रहे हैं, क्या नया ला रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो मेरा वेबिनार मेरी तरफ से जो प्रेजेंट करना था वो खत्म होता है। हेलो यस बसित भाई बोलिए। हाँ समीर भाई, મારા અમુક ખેડૂતોનો ક્વેશ્ચન એવો છે કે ખાસ કરીને ચોમાસા અને મગફળીમાં એ લોકોનો સૌથી વધારે ઇશ્યુ
ફૂગનો અને ક્રુમીનો આ બેનો આવે છે. બસ તો આપ ઉસકે લિયે મેને એક પ્રોડક્ટ કે બારે બાત નહીં કરી, એક ઓર પ્રોડક્ટ ભી હૈ હમારા જિસકા નામ હૈ નીમો ફંગો, નેમેટોડ્સ ઓર ફંગીસાઇડ કા કોમ્બિનેશન, મતલબ ફંગફ્રી ઓર નેમેટોનિલ કા કોમ્બિનેશન હૈ. આપ ઉસે 1 લિટર એટ અ ટાઈમ પર એકર કે હિસાબ સે જમીન મે દે દીજીએ. પ્રિવેન્ટિવ કે અંદર બહોત સારે લોગો પ્રોબ્લેમ નહીં આયેગા, અગર જ્યાદા પ્રોબ્લેમ યે વાલા આતા હૈ તો આપ દૂસરી બાર ભી દે સકતે હૈ. તો ઉસકા ઉસ વો ફાર્મર સે કહેના એસા હૈ કે વો લોગ રેની સીઝન મે જબ મૂંગફલી કરતે હૈ તો ઉસ ટાઈમ ડ્રિપ કા ભી યુઝ નહીં કરતે, નહીં ફ્લડ કા ભી યુઝ કરતે, સિર્ફ રેની સીઝન મે જો બારિશ હોતી ઉસસે હી વો લોગ પૂરી ખેતી કરતે હૈ. તો વો હમારા પ્રોડક્ટ ઉસકો કૈસે દેના, મતલબ કૈસે એપ્લિકેશન કરના હો, જૈસે હી અપને બરસાત કા ભેજ આતા હૈ ના તો આપ ક્યા બોલતે હૈ પંપ કે અંદર ડાલ કે મતલબ ઘોલ કર નોઝલ ખોલ કર ઉસકા ડ્રેન્ચિંગ આપ જડો મે કરા દીજીએ. ઓકે બારિશ કે બાદ. ઓકે બારિશ હોને કે તુરંત બાદ, જૈસે આપ રેન ફેડ મૂંગફલી ઉગા રહે હૈ તો બરસાત આજ ગિર ગઈ તો આજ યા કલ કે દિન જબ મોઇસ્ચર ફુલ્લી અવેલેબલ હૈ જમીન કે અંદર તબ આપ નોઝલ ખોલ કર પંપ કે અંદર દવાઈ ડાલ કર પ્રતિ એકર 1 લિટર પૂરા જાય ઓર પૂરે એકર મે આ જાય કે હિસાબ સે આપ ડાલ સકતે હૈ. બરાબર, ઠીક હૈ. સુરેશ જી, હાઉ મચ પ્રોડક્શન ઓન એન એવરેજ કેરી આઉટ પર એકર? મેને જૈસે બતાયા 20 ક્વિન્ટલ્સ ઓન એન એવરેજ એવરેજ આતા હૈ, બાકી આપ હમારા શેડ્યુલ ફોલો કરતે હૈ તો આપ આરામ સે 25 ક્વિન્ટલ 30 ક્વિન્ટલ તક ભી આરામ સે જા સકતે હૈ. સર દૂસરા એક ક્વેશ્ચન એસા હૈ. હાં જી, કે અભી માર્કેટ મે એક આંધ્ર પ્રદેશ કી એક વેરાયટી હૈ કાદરી લેપાક્સી કે 1812 એસા કુછ હૈ. ઓકે, મે આપકો ઉસકી ઉસકા ભી ઇમેજ હૈ, મે આપકો મતલબ વોટ્સએપ કરતા હું. આંધ્ર પ્રદેશ કી એક એક યુનિવર્સિટી કી 2020 કી એક નઈ ખોજ હુઈ એક સીડ્સ હૈ કાદરી લેપાક્સી કી. વો લોગ બોલતે હૈ કી ઉસકા જો પ્રોડક્શન હૈ વો 40-50 મણ મતલબ આતા હૈ એક એક એકર સે. ઓકે, તો ઉસકે બારે મે મુજે કુછ જાનના થા કે વો વેરાયટી ક્યા હૈ. મે કભી બાત નહીં કરતા હું ક્યોંકિ પૂરે ભારત કે કિસાન હોતે હૈ સીડ, બરાબર. હર એરિયા કા ખુદ કા એક સ્પેશિયાલિટી કા સીડ હોતા હૈ ઓર મેને પૂરે ઇન્ડિયા મે કામ નહીં કિયા, મેને ક્રોપ્સ પે કામ કિયા હૈ તો મે કભી ભી સીડ બારે મે કભી ભી કુછ કવર નહીં કરતા હું. બરાબર, મુજે પતા હૈ ઓર આતા હૈ, મે ઉસકે બારે મે બાત બતાતા હું. કમેન્ટ કરવાની સ્થિતિ મેં નહીં હું બારે મેં, તો મેં ઉસકે બારે મેં કુછ નહીં બોલુંગા. ઠીક હૈ, ઓકે. મેરા કા પૂરા જો રોલ રહા હૈ વો એઝ એગ્રોનોમિસ્ટ કા, મેને એસે કામ કિયા હૈ તો મેરી માસ્ટરી વહાં પે હૈ. કોઈ ભી સીડ કિસાન યુઝ કરતા તો મેરા કામ રહેતા કે ક્યા રાઇટ ફર્ટિલાઇઝર, રાઇટ પેસ્ટિસાઇડ, રાઇટ ફંગીસાઇડ, સોઇલ મેનેજમેન્ટ, વો સબ કે ઉપર હમ જ્યાદા કામ કરતે હૈ. બરાબર, ઓકે. થેન્ક યુ એવરી વન ફોર આપને સબને જોઈન કિયા, કાફી ઇન્ટરેસ્ટ કે સાથ સુના. જિનકા મિસ હો ગયા હો, મેને જૈસે બતાયા કે યે પૂરા યુટ્યુબ પર હમ લોગ ઇસકો અપલોડ કર દેંગે, જો લોગ ભી હમારે વોટ્સએપ ગ્રુપ કે અંદર હૈ વહાં પે ભી હમ ઇસકી લિંક ડાલ દેંગે, ડોન્ટ વરી. સુરેશ જી, ડીએપી કી ડીએપી અગર ડાલના હૈ તો 25 કિલો ડાલ સકતે હૈ, યા ફિર મેને જૈસે એસએસપી રિકમેન્ડ કિયા તો 50 કિલો આપ ડાલ સકતે હૈ પ્રતિ એકર સોઇંગ સે પહેલે બેઝર ડોઝ મેં. યે શેડ્યુલ ભી મેં અપને વોટ્સએપ ગ્રુપ મેં શેર કર દુંગા, કોઈ બાય ચાન્સ વોટ્સએપ ગ્રુપ મેં ના હો તો આપ મેરા યે નંબર હૈ, આપ મુજે ડાયરેક્ટ કર સકતે હૈ. મેં વહાં પે ભી અપના હમારા જો રિસર્ચ કે હિસાબ સે અપને જો શેડ્યુલ બનાયા વો મેં શેર કર દુંગા આપકો. શુક્રિયા, મેં અવેલેબલ હું, આપ કભી ભી મુજે કોન્ટેક્ટ કર સકતે હૈ વોટ્સએપ કે દ્વારા, કોલ કે દ્વારા, કહીં કુછ ભી સવાલ આપ પૂછ સકતે હૈ. Thank you everyone.